गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाल बारा और नरहरी अमीन जीते हैं, जबकि 4th सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जीते हैं, वहीं भारत सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के पास पहले भी 3 सीटें थीं और पार्टी इसे बरकरार रखने में कामयाब रही। इससे पहले कांग्रेस के ऐतराज के बाद मतगणना में देरी हुई और विवाद की वजह से 4 घंटे बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो सकी। पूरे देश में जितने राज्यसभा के चुनाव थे वहाँ सभी जगह पर 6 से 7 बजे तक रिजल्ट आ गया था, लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने जिस तरह से गलत गलत तरीका अपना के एप्लीकेशन डाल के ये विलम्ब करवाया है, लेकिन उनकी कोई चाल नहीं चली है, निष्फल हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों उम्मीदवार का विजय हुआ है, हम सबके आभारी है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्याक शेरिंग नामग्याल ने करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की ऑडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए। इस ऑडियो क्लिप में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और चीन के साथ चल रहे तनाव पर भी विवादास्पद बयान दिया गया। दावा है कि कांग्रेस पार्षद की यह बातचीत कश्मीर में किसी निसार खान नाम के आदमी से हुई। इस विवादास्पद ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर कांग्रेस ने अपने पार्षद को नोटिस भेजकर सफाई मांगी और लद्दाख के आईजी ने भी उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। ये लेक का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए, बस लेना चाहिए कि ले गया है, आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। फिर पता क्या होगा, फिर दिल्ली में और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंकपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुन, और पता क्या होगा, लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे बराबर, फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया, कुश्ती की वजह से ये सब हो गया पूरा। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा, कश्मीरियों का, कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद लद्दाख के लेह में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्याक शेरिंग नामग्याल की अगुवाई में किया गया और इसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के लिए कुछ कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे तो कुछ ने पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद के बयान को देश विरोधी बताते हुए सभी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कांग्रेस से अपने पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई।